स्वामी, धाइमा ये विलाप कैसा? ये विलाप तेरी उन बैलिनों का है जिन्हें हमारे भरत का युवराज बनना फूटी आंख नहीं भाया है। आज हमें छोड़कर चले गए, कहाँ चले गए? अयोध्या छोड़कर चले गए, माता श्री महाराज हमें छोड़कर चले गए। मेरे पुत्र का तिलक किए बिना महाराज नहीं जा सकते। महाराज, 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 माता श्री, माता श्री। तुमने महारानी का रास्ता रोकने का दुस्साहस कैसे किया? जब क्यों हो बोलते क्यों नहीं? हटा मेरे रास्ते से। हम विवश हैं, आप भीतर नहीं जा सकती। क्यों? महाराज का अंतिम आदेश था आपको उनके शव के पास न जाने दिया जाए। शुभ समाचार है पुत्री। चुप कीजिए, मेरे पति के निधन को आप शुभ समाचार कह रही हैं? सैनिक, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? तुमने सुना नहीं, भ्राता श्री तुमसे तुम्हारे रोने का कारण पूछ रहे हैं। सैनिक, क्या हुआ? प्रणाम माता। प्रणाम माता श्री। अपने पुत्र की आरती नहीं उतारोगी? लो। नहीं माता, आज ही अचानक मेरी आरती उतारने की कौन सी आवश्यकता आ गई? ना तो मैं अयोध्या का राजा हूं, ना ही युवराज जिसके लौटने पर उसकी आरती उतारी जाए। माता, मेरी आरती उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु माता मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आज समस्त भवन में शमशान जैसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। हर नेत्र से अश्रुधारा बह रही है। माता, कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हुआ है? पुत्र, तुम मेरे कक्ष में चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, चलो। नहीं माता, माता जिस प्रकार नदी के निकट आकर प्यासे की प्यास और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार अयोध्या में आकर अपने भ्राता श्री के दर्शन की अभिलाषा मेरी और अधिक बढ़ गई है। कई दिवस से मैंने उनका मुख नहीं देखा। माता, आप नहीं जानती मेरे मन की क्या दशा है। जब तक मैं अपने भ्राता श्री के दर्शन न कर लूं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। माता, आप जाएं, मैं अभी आता हूं। रुक जा पुत्र। नहीं माता श्री, माता श्री आप जानती हैं कि भ्राता श्री मेरे प्राण हैं। मैं जितने दिवस अयोध्या से दूर रहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता रहा जैसे मैं प्राण विहीन हो गया। माता, अब इतने निकट आने के पश्चात भी मैं अपने भ्राताश्री के दर्शन न करूं, यह असंभव है माता।
माता मुझे जाने दीजिए आप। रुक जाओ पुत्र, मैं तुम्हें अपनी सौगंध देती हूँ, पहले मेरे कक्ष में चलो, फिर कहीं जाना। सौगंध? कहीं नहीं आई तुम्हारे साथ पुत्रवधु, वो तो सूचना सुनते ही वहां से चल दी थी माताश्री। फिर क्या हुआ ये हमें ज्ञात नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है और मैंने मां होने का धर्म निभाने का पूरा प्रयत्न किया है। माते, माते आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? और ये सब बताने की आवश्यकता क्या है? पुत्र, मैंने तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ से ये वर मांग लिया है कि अयोध्या के युवराज राम नहीं तुम होगे। क्या? नहीं माते, नहीं माते, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। कह दीजिए माते कि ये सब असत्य है। ये सत्य है पुत्र, अयोध्या के युवराज राम नहीं तुम बनोगे, इस पद पर तुम्हारा अधिकार है। नहीं, नहीं माते, नहीं। जिस भाई की चरण रज से मैं तिलक करता हूं, जिस भाई के पद चिन्हों को मैं पूजा स्थल समझता हूं, जिसका स्मरण किए बिना मैं रात्रि को नेत्र नहीं मूंदता, जिसका मुख देखे बिना मेरी भोर नहीं होती, माते जो भाई मेरा आदर्श है, मेरे जीवन का आधार है, उस भाई के स्थान को मैं ग्रहण कर लूं? नहीं माते, नहीं। ये सोचने का पाप भी मैं नहीं कर सकता। भावुक मत बनो पुत्र, ये निर्णय हो चुका है। ये निर्णय नहीं, ये अन्याय है माते, और मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगा। मैं भ्राताश्री के पास जाकर कहूंगा कि ये निर्णय चाहे जिसने लिया हो, भरत इस निर्णय को अस्वीकार करता है। मैं इस महापाप का भागीदार नहीं बन सकता माते। मैं इस महापाप का भागीदार नहीं बन सकता माते। चलो शत्रुघ्न, हमें अभी भ्राताश्री के पास जाना। ठहरो, तुम राम से नहीं मिल पाओगे। नहीं मिल पाऊंगा, कारण? कारण यह है कि राम अयोध्या में नहीं है, वो वन की ओर प्रस्थान कर चुका है। क्या? हाँ, मैंने महाराज से अपने दूसरे वर में ये मांगा था कि तुम्हारा राज तिलक होने से पहले राम 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर अयोध्या छोड़ दे। राम ने इसे मान लिया, सीता और लक्ष्मण भी उसके साथ चले गए। नहीं माते, 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 ये संभव नहीं है। माते कह दीजिए कि आप मुझे चढ़ाने के लिए सब कह रही हैं। नहीं, मैंने जो भी कहा है
उसका एक एक अक्षर सत्य है। राम को 14 वर्षों का वनवास। नहीं माते, नहीं, ये आपने क्या किया माते, ये क्या किया आपने माते, माते जिस राम को आपने सदैव मुझसे अधिक स्नेह किया, जिसका मुख देखे बिना आपको पल भर भी चैन नहीं आता था, उस राम को आपने 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। नहीं माते, मुझे मुझे विश्वास नहीं होता माते कि आप इतनी निष्ठुर इतनी निर्दयी हो सकती हैं माते। पर पुत्र, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया। यदि ये सब कुछ आपने मेरे हित के लिए किया तो मुझे मुझे घृणा हो रही है स्वयं से, मुझे घृणा हो रही है ये सोचकर कि मैं आपका पुत्र हूं। और ये घृणा आजीवन मेरे संग रहेगी कि इस संसार में कोई ऐसा भी है जो ये सोचता है कि अपने देवता समान भ्राताश्री का स्थान ग्रहण करने का महापाप ये भरत करेगा। मुझे घृणा हो रही है माता, मुझे घृणा हो रही है ये सोचकर कि मैंने एक ऐसी स्त्री की कोख से जन्म लिया जिसे ये भ्रांति हो गई कि अपने भ्राताश्री का स्थान ग्रहण करने में इस भरत का हित है। मुझे घृणा हो रही है माते, आप इससे अधिक अहित मेरा कर भी नहीं सकती। इससे अधिक अहित आप नहीं कर सकती, किंतु किंतु मैं अभी पिताश्री के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताश्री ये भरत इस अनर्थ का भागीदार नहीं है, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। अब महाराज के पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा पुत्र। क्यों क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि आप उत्तर क्यों नहीं देती, क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि समय हाथ से निकल गया। अर्थात तुम्हारे पिताश्री अब इस संसार में नहीं रहे पुत्र। पिताश्री, भ्राताश्री, स्पर्श मत करना मुझे, मुझे स्पर्श मत करना तुम, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, तुम मेरी माता नहीं हो सकती, तुम मेरी माता नहीं हो सकती। तुमने मेरे पिताश्री एवं भ्राताश्री के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं किया, तुमने इस सभागे भरत के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। नहीं पुत्र, जीते जी मार डाला है तुमने मुझको, इन्हीं हाथों से मार डाला है मुझे।
हत्या करते इस भारत की, नहीं हत्या करते इस भारत की, नहीं हे ईश्वर, तुमने मुझे महाराज दशरथ जैसा पिता दिया, राम जैसा भाई दिया, अयोध्या जैसी नगरी दी, तो ऐसी माता क्यों दी, ऐसी माता क्यों दी जिसने इस भरत के जीवन को ही कलंकित कर दिया। इस माता ने मुझसे मेरा पिता छीन लिया, मेरे भ्राताश्री छीन लिए।